कोरोना का सितम जारी, शादी समारोह निजी बसों पर कड़े फैसले लेने की तैयारी। प्रदेश में गहलोत की सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के लागू होने के बावजूद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई। शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद सरकार कुछ और कदम उठाने वाली है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने, शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रम और प्राइवेट बसों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी में है सरकार। बताया जा रहा है कि सरकार निजी बसों पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है और 50% सवारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है बसों में बैठने के लिए, लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन हो रहा है। विवाह समारोह में संख्या 21 करने की तैयारी। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो शादी समारोह में फिलहाल सरकार ने 50 लोगों को छूट दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खुलकर गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और इसकी शिकायतों पर ये लगातार मुख्यमंत्री तक पहुँच रही हैं। और जिले में प्रशासन विवाह समारोह में जब पहुँचता है तो वहाँ पर निर्धारित संख्या पाए जाने पर संबोधित लोगों पर कार्यवाही भी हो चुकी है। सरकार के अंदर खाने मंथन चल रहा है कि विवाह समारोह में संख्या सीमित करके दोनों पक्षों की ओर से 21 लोगों को ही सीमित कर दिया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों, मंदिर मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी जाए। अभी भी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा है। बताया जा रहा है कि सरकार इन पर भी जल्द ही कड़े कदम उठा सकती है। प्राइवेट बसों पर लग सकती है रोक। विश्वस्तों की माने तो सरकार नई गाइडलाइन में प्राइवेट बसों पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है। प्राइवेट बसों की मनमानी के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। दरअसल जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में सरकारी और निजी बसों में 50% सवारी ले जाने की छूट थी, लेकिन फिर भी उसमें बसों में ये भी कहा गया था कि यात्री खड़े होकर ना जाए, इस तरीके से निर्देशित किया गया था। लेकिन निजी बसें गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए सवारियों से भरकर जा रही है, जिसकी शिकायतें भी लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। इसे लेकर सीएम ने परिवहन विभाग से फीडबैक भी लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार निजी बसों पर कड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना संक्रमण के बीच शहरों के साथ ही गांवों में भी शादी विवाह स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। शादी नियमों का उल्लंघन होने से गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में गांवों में भी कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ने लगी है, जबकि बीते साल कोरोना काल में गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर रहे। 3 मई को जारी होगी नई गाइडलाइन। कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए गए नए अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन 3 मई को खत्म होने जा रही है। इसी के साथ सरकार नई गाइडलाइन की भी जारी करने वाली है। इसके तहत कहा जा रहा है कि सरकार विवाह समारोह में संख्या सीमित करेगी, निजी बसों पर रोक लगाने वाली है और धार्मिक स्थलों को लेकर भी कड़े फैसले हो सकते हैं।